दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज हमारे पास है बोस कंपनी का हैमर ड्रिल मशीन, जिसका मॉडल है दोस्तों मैं आपको एक बार यहां पे दिखा देता हूं थोड़ा क्लोज करके। तो दोस्तों इसका जो मॉडल है आप देख पा रहे हैं, इसका जो मॉडल है यहाँ पे GBH226E प्रोफेशनल। दोस्तों ये ओरिजिनल बोस कंपनी का हैमर ड्रिल मशीन है। तो दोस्तों इस मशीन के अंदर आपको कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और पूरा इस मशीन को हम चेक करने का और ठीक करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं मशीन को हमने स्टार्ट कर दिया है और मशीन के अंदर कुछ भी नहीं है और लगातार काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, मशीन का साउंड भी अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं मशीन का जो मेन लीड है डायरेक्ट बिल्कुल जो हमारी स्विच वाली लीड होती है उनके ऊपर ही यहाँ पे जोड़ा हुआ है। इसको हम सबसे पहले हटाकर अलग कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद में जो हमें ये इसका कार्बन होल्डर है इसको निकालना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए पतला एलाइनर लेकर आपको कार्बन की जो स्प्रिंग है, दोनों होल्डर की स्प्रिंग है जो प्रेस वाली, इनको ऊपर हटाकर साइड में कर देना है यहाँ पे, जिससे कि जो आपके कार्बन लगे हुए हैं वो पीछे की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद में होल्डर को बिल्कुल सीधा कर लेना है बीच में और धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकाल देना है, काफ़ी आसानी से जो कार्बन होल्डर है बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसी ही पूरी मशीन के बारे में आपको नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि कोई जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों उसके बाद में कार्बन होल्डर निकालने के बाद में हमें यहाँ पे मशीन का जो हेड है उसको यहाँ पे पूरा अलग कर लेना है। हेड और जो पीछे वाला पार्ट है इसका, दोनों को हम यहाँ पे अलग कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आर्मेचर काफ़ी ज़्यादा स्पार्क कर रहा था इसका, तो इस कंडीशन में आर्मेचर इसका बिल्कुल 100% खराब है। दोस्तों चारों पेच लूज करने के बाद में पीछे से हल्का सा आर्मेचर को प्रेस करना है कम्यूटेटर के नीचे से, और ये देखिए काफ़ी आसानी से हेड और आर्मेचर है दोनों चीज़ अलग हो जाएंगी। तो दोस्तों आर्मेचर के पीछे देख पा रहे हैं आर्मेचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रगड़ है, आगे वाला बैरिंग इसका ठीक है और यहाँ पे इसको यहाँ पे निकाल कर अलग कर लेंगे। हेड को हम नहीं खोलेंगे यहाँ पे, और ये देखिए आर्मेचर को हमने अलग निकाल दिया क्योंकि आर्मेचर हमें रिप्लेस करना होगा और ये आर्मेचर जो ख़राब है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले सबसे पहले हमें समझना होगा आर्मेचर में रगड़ किस कारण से आई है, क्योंकि यदि हम इसी कंडीशन में दूसरा आर्मेचर इसमें रिप्लेस कर देते हैं तो वो भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए इसका रबर सीट जो कि पीछे वाला जो बैरिंग होता है 607 नंबर का, उसके ऊपर लगता है यहाँ पे। तो दोस्तों रबर सीट इसका कटा हुआ है और ये देखिए यहाँ पे रबर सीट इसका कटने का कारण मैं आपको बताता हूँ। इसको हो सकता है, मुझे लगता है जिसकी मशीन है कस्टमर की, उसी ने खोला है इसे और रबर सीट बाहर नहीं निकाला होगा, मशीन आर्मेचर है जो ऐसे ही पैक कर दिया, बैरिंग चेंज किया होगा इसका। बाकी बैरिंग दोस्तों जाम है इसका, और दोस्तों रबड़ सीट नहीं लगने की वजह से प्रॉपर उसी वजह से ये जो आर्मेचर है इसका ख़राब हुआ है। तो दोस्तों ये है पुलर वाइस जो कि बैरिंग पुलर वाइस है। दोस्तों देखते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पुलर वाइस है, सिर्फ छोटे बैरिंग के लिए ही ये यूज हो सकता है और ये आपको मार्केट में यदि परचेज करना है तो लगभग 450 रुपये के समथिंग आपको मिल जाता है पुलर वाइस। तो दोस्तों ये देखिए जो हमने इसका गार्ड है उसको भी निकाल दिया है, बैरिंग को निकाल दिया है, क्योंकि जो इसका कम्यूटेटर गार्ड है वो हम वापस से लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो स्पेयर है कंप्लीट इसमें हम रिप्लेस करने वाले हैं, स्विच भी इसके अंदर नहीं है, 607 नंबर का बैरिंग इसका ख़राब है और ये अलीबाबा का जो आर्मेचर है हम इसमें डालने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आर्मेचर आता है और रेट वाइज भी काफ़ी सस्ता आ जाता है। तो दोस्तों रेट की बात करें तो आपको लगभग ये 480 रुपये का आर्मेचर मिल जाता है, और जिसकी क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, फैन भी इसका काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए सबसे पहले जो कम्यूटेटर का गार्ड है इस पर, इसको ज़रूर लगा देना है, जिससे कि हमारा बैरिंग है उसका भी स्पेस बिल्कुल ओके रहेगा। इसके बाद में जो बैरिंग है बैरिंग को हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद में आर्मेचर को हेड के अंदर यहाँ पे फिक्स कर देंगे, इसको भी यहाँ से पीछे की तरफ से हैमर से ठोक लेंगे। तो दोस्तों आर्मेचर हमारा इसके अंदर बिल्कुल सेट हो चुका है, ये देखिए। इसके बाद में दोस्तों रबड़ सीट है, इसके ऊपर हमने नया रबड़ सीट यहाँ पे लगा दिया है, वो जो कि काफ़ी ज़रूरी है, जिसकी वजह से पूरा आर्मेचर इस मशीन का ख़राब हुआ है। तो दोस्तों रबड़ सीट आपको बिल्कुल इसी टाइप से सेट करना है हमेशा, रबड़ सीट को पहले नहीं लगाना है, पहले
वायरिंग के ऊपर रबड़ सीट लगाना है, फिर उसके बाद में आर्मेचर को मशीन के अंदर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे मशीन के जो सभी पेच हैं इनको यहाँ पे हम टाइट कर देंगे। सभी पेचों को टाइट करने के बाद में दोस्तों देखिए मशीन को यहाँ से हल्का सा घुमाकर भी चेक कर सकते हैं, मशीन बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, आर्मेचर आपका टाइट नहीं घूमना चाहिए, इस चीज़ को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में मशीन को हम वाइस के अंदर फिक्स कर देंगे, क्योंकि जो कार्बन होल्डर का सेट लगाएंगे तो उसमें हमें दोनों हाथ फ्री चाहिए, तो मशीन को यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। तो दोस्तों ये है इसका स्विच, जो कि स्विच भी आपको मार्केट में लगभग 200 रुपए का समथिंग आपको मिल जाता है, और स्पीड कंट्रोल करता है ये स्विच, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्विच है। तो यहाँ पे स्विच के अंदर दोनों जो मेन लीड के वायर हैं हमने यहाँ पे लगा दिए न्यूट्रल फेज के, और स्विच को हमने मशीन के अंदर यहाँ पे लगा दिया है, हैंडल के अंदर सेट कर दिया है। तो दोस्तों ये है रेस्क्यू कंपनी के इसके कार्बन बुश, जो कि 26 mm के ही कार्बन बुश इसके अंदर हमें यूज करने हैं। तो क्योंकि इसमें एल टाइप की थिम्बल आती है, ये देख पा रहे हैं, और सबसे पहले आपको कार्बन को होल्डर में अंदर लगाकर यहाँ पे थिम्बल जो लगी है इसकी थिम्बल को आपको यहाँ पे ज़रूर लगा लेना है, ताकि कार्बन ख़त्म होने के बाद में जो टुकड़ा बचता है वो यहीं पे बिल्कुल होल्ड रहे और मशीन के अंदर जाकर फील्ड या आर्मेचर को डैमेज ना करे। तो यहाँ पे दोनों जो कार्बन होल्डर के अंदर दोनों कार्बन ने हमने यहाँ पे लगा दिए, दोनों स्प्रिंग को बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे सेट करने के बाद में और थोड़ा सा नीचे दबा लेना है होल्डर को। उसके बाद में सबसे पहले ये स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग यहाँ पे कार्बन के ऊपर आपको वापस से सेट कर लेना है और फिर इसको नीचे दबा देना है, बिल्कुल आसानी से जो होल्डर है आपका सेट हो जाएगा। देख पा रहे हैं लेफ्ट राइट भी अच्छे से करेगा। इसके बाद में दोस्तों देख पा रहे हैं जो स्विच के कनेक्टर हैं यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे हमने लगा दिया है और ये वाला इसका साइड में यहाँ पे लगेगा, और दोनों कनेक्शन हमने स्विच के ऊपर यहाँ पे लगा दिए हैं। तो दोस्तों इसके बाद में एक बार मशीन को हम चलाकर चेक करें, ताकि स्पार्क वगैरह आपको दिखाई दे, हमको भी दिखाई दे कि कितना क्या स्पार्क आ रहा है। वायरिंग को यहाँ पे सेट कर दें स्विच को, और दोस्तों ये जो लीड है लीड को भी आपको यहाँ पे होल्ड अच्छे से होल्ड करने देना है, ताकि यूज करते वक्त लीड इसकी खींचे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं था, तो मैंने अलग से ही कोई प्लास्टिक का इसमें लगा दिया है, जो कि टू पिन टोक का आगे वाला हिस्सा होता है, टू पिन प्लग का, वो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है। तो दोस्तों ये देखिए इसका जो केबल गार्ड है इसको भी आपको सेट कर लेना है। चलिए एक बार चलाकर चेक कर लेते हैं मशीन को। देख पा रहे हैं दोस्तों मशीन बिल्कुल अच्छे से रन कर रहा है दोनों तरफ। यहां से दोस्तों होल्डर को घुमाकर लेफ्ट राइट आराम से कर सकते हैं, बाकी इस मशीन के अंदर आपका ऑप्शन नहीं है बाहर से घुमाने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ ये लेफ्ट घूम रही है इस टाइम, और स्पार्क भी बिल्कुल नहीं है मशीन के अंदर। चलिए मशीन का जो हैंडल का बैक कवर है इसको यहाँ पे फिक्स कर दें, चारों पेच इसके हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि मशीन बिल्कुल इसका ओके हमारा हो चुका है। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं ये यहाँ पे बाहर से इसका लेफ्ट राइट करने का सिस्टम नहीं है, बाकी अंदर से हमने इसको करके चेक किया था, अंदर से ये हो जाता है। तो इसको लेफ्ट राइट भी हम चला सकते हैं, साइड से कट मारना होगा। तो दोस्तों ये देखिए इसका बिट है जो यहाँ पे हमने लगा दिया है, और मशीन का जो सामान है ये देखिए रबड़ सीट और एक बैरिंग है इसका, कार्बन होल्डर है, कार्बन है, आर्मेचर है, ये सारा स्पेयर हमने इसका यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो दोस्तों इसके बाद में मशीन को एक बार हम चलाकर चेक करेंगे, स्टोन के ऊपर चलाएंगे। दोस्तों मशीन का प्रेशर वैसे ठीक आ रहा है बिल्कुल, बाकी ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं, और मशीन बाकी ठीक चल रही है, और ये नॉर्मल मोड पर भी नॉर्मल ड्रिल पर मशीन ठीक वर्क कर रही है यहाँ पे। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मशीन ठीक काम कर रही है, और ये हैमर ओनली हैमर मोड जो कि एक चेजल में यूज होता है, दोस्तों इस पर भी ये घूम रही है, ये तो इसमें गड़बड़ है। इसके लिए दोस्तों मशीन का जो हेड है हमें खोलना होगा, क्योंकि नॉर्मल मोड पर मशीन घूमना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी मशीन का ये हेड है जो इसको खोलकर आपको बताएंगे इसके बारे में पूरा, किस टाइप से क्या प्रॉब्लम है
और इसको भी हम ऐड को खोलकर ठीक कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं मशीन इस मोड पर भी, ये देखिए हैमरिंग मोड पर घूम रही है। यहाँ पर बिल्कुल मशीन को नहीं घूमना चाहिए बिल्कुल भी, और बिल्कुल ओनली हैमर मोड ही इसका यहाँ पे वर्क करना चाहिए। तो दोस्तों इसकी नॉलेज आपको पूरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों इसी टाइप के कंटेंट देखने के लिए बने रहें चैनल पर लगातार। धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।